दोस्तों देश भर में दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। दुकानें, बाजार और घरों की सजावट का काम भी शुरू हो चुका है। इस साल दिवाली का त्यौहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली पर दीपक लाइट्स के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी मानी जाती है तो वो है मिठाई। जी हाँ दोस्तों, बिना मिठाइयों की दिवाली अधूरी सी लगती है। वैसे तो दिवाली के मौके पर बाजार में कई तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चीनी और कई तरह के केमिकल्स को मिलाकर तैयार की गई मिठाइयों को खाने से सेहत पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ ही ये आपको कई तरह की बीमारियों से भी जो है ग्रसित कर सकती है। इसलिए दिवाली के खास मौके पर आज हम आपको बताने वाले हैं स्पेशल नट्स लड्डुओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नट्स लड्डू खाने में न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नट्स लड्डू बनाने की रेसिपी और इसके खाने से सेहत में आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नट्स वाले लड्डू हैं इनके लिए कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी आधा कप बादाम की, आधा कप अखरोट, आधा कप काजू, दो कप खजूर, आधा कप अंजीर, दो चुटकी इलायची पाउडर, दो चुटकी दालचीनी पाउडर, दो से तीन धागे केसर के और वेनिला एसेंस, ये स्वादानुसार हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमने चीनी के अलावा जो है हमने खजूर का यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि दोस्तों खजूर जो होता है उसमें प्राकृतिक शुगर होता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं इसको बनाने की विधि। दोस्तों नट्स लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में बादाम, अखरोट, काजू को अच्छे से भून लें। आपको काजू, बादाम, अखरोट को तब तक भुनना है जब तक कि वो हल्के से ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब एक पैन लें और इसमें एक कप पानी डालकर खजूर डालें। खजूर को पानी के साथ तब तक पिघा लें जब तक कि वो अच्छे से मिल ना जाए। दोस्तों खजूर के पेस्ट में इलायची और दालचीनी का पाउडर दो चुटकी डालकर मिलाएं। इस मिश्रण में वेलिना एसेंस और काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर को डालकर अच्छे से मिला लें। दोस्तों आपको लड्डू का मिश्रण तैयार हो चुका है और इसे हाथों में लें और छोटे छोटे लड्डुओं के शेप में अच्छे से गूंथ लें। अब आपके जो है लड्डू तैयार हो चुके हैं और इसे आप एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके लगभग दो सप्ताह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि नट्स के लड्डू खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ हो रखा है या फिर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो दोस्तों यहाँ पर हमने नट्स के लड्डू बनाने के लिए खजूर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका सेवन डायबिटीज़ के मरीज भी कर सकते हैं। नट्स के लड्डू खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की हृदय से संबंधित समस्या है या फिर आपका जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया है तो दोस्तों नट्स के लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पर हमने बादाम का इस्तेमाल किया है। बादाम शरीर में एचडीएल की मात्रा बढ़ाता है जिससे धमनियों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद मिलती है। दोस्तों यहाँ पर एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो आपको जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसकी जो संभावना है, हृदय रोग की जो संभावना है, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है इन नट्स के लड्डू को खाने से। हालांकि नट्स के लड्डुओं में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक दिन में एक ही लड्डू खाएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप नट्स के लड्डू खाकर अपनी एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नट्स के लड्डुओं में कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। ऐसे में यदि आप थकान महसूस करते हैं या फिर पूरा दिन आपको आलस महसूस होता है तो दोस्तों आप दिवाली में इन नट्स को लड्डू का तो प्रयोग करें ही करें, साथ में इसको आप अपनी रेगुलर डाइट में भी शामिल कर सकते हैं अगर आप अपना शरीर का एनर्जी लेवल काफी अच्छा करना चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में ये कितना ज्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों एक शोध के मुताबिक काजू, किशमिश और बादाम का सेवन ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों अगर आप जो है नट्स के लड्डुओं को खाते हैं तो आपका बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो काफी अच्छा प्रॉपर वर्क करेगा। अब बात करते हैं कि ये हमारे वजन को घटाने में कितना ज्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों नट्स के लड्डू का सेवन करने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर का वजन घटाने में मदद कर सकता है। हालांकि वजन घटाने के दौरान आप एक दिन में केवल एक ही नट्स का लड्डू खाएं, ये नहीं कि आप जो है दो तीन लड्डू खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा वजन घट गया, ऐसा नहीं होगा।
तो दोस्तों आपको अगर वजन घटाना है तो केवल आप दिन में केवल एक ही लड्डू का सेवन करें। तो दोस्तों आज हमने बात करी नट्स के लड्डू को खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं और इस दिवाली आप जो है कैसे नट्स के लड्डू को बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और साथ ही हैप्पी दिवाली।